आज का वर्कआउट भी हो गया खत्म, और आज भी लगभग 3 किलोमीटर की रनिंग की है। और देखो पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल शांति है अभी तो यहाँ पे। उस कुछ कुछ लोग यहाँ पे अभी वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं वॉकिंग करके। और अगर आप रेगुलर 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, 3 या 5 किलोमीटर के आसपास की, तो उसके बाद आप जो मर्जी खा लो, कुछ भी पी लो, आपका वेट नहीं बढ़ने वाला। बस हमारे अंदर यही कमी है कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल नहीं पाते। आधे आधे घंटे के अंदर आप 5 किलोमीटर की रनिंग आराम से कर लेते हो बिल्कुल, अगर हल्के हल्के भी करते हो। बस वो आधा घंटा ही नहीं निकलता सुबह, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई। अभी 10-11 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पे सुबह। बस वो रिजाइश से निकलना ही महाभारत है। अगर एक बार रिजाइश छोड़ दिया आपने, तो फिर आप आराम से निकल आओगे बाहर। और लगातार आप अगर आप लोगों ने 10 दिन कर लिए ना, तो उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, तो फिर आप आना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना आपको दिल नहीं लगेगा। तो हमें ये हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में वर्कआउट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा हमारा खान पान है, जैसा हमारा वातावरण है, उसके हिसाब से हमें रनिंग बहुत ज़्यादा, रनिंग होगी, जिम वगैरह होगी, कोई भी एक्सरसाइज वो करनी काफ़ी ज़रूरी है। और जब तक आप रनिंग करते रहते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो, तब तक तो ठंड लगती नहीं। और जैसे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो ना, तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर बैठ गया, ठंड लगनी स्टार्ट होगी, तो इससे अच्छा है अपना घर की तरफ चलो, क्योंकि अभी भी घर यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की वॉकिंग करते हैं और जल्दी से घर पहुँच रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और अभी खाना खा के, अपना खाना आ गया है, और निकलते हैं पानीपत वर्किंग के लिए। खाना खा के पर पहले बच्चों को रोटी डालते हैं, थोड़ा दूध डालते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर वर्किंग पे। अपना साइकिल भी खड़ी करके जा रहे, देखो और दूध तो लक्षित स्कूल में जाने से पहले ही डाल गया। बच्चे इनको, बच्चों को उठा के कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, तो आज इन्हें थोड़ा स्कूल में रहेगा, क्योंकि आज बच्चे चले गए स्कूल में सारे, पूरी लक्षित हो जितने बच्चे आते थे मिस्ट्री वगैरह सब, तो आज थोड़ा सा स्कूल में रहेगा इनको, आज आराम करेंगे। और आते स्कूल से फिर इनके साथ खेलते रहते हैं वो, तो चलो हम भी चलते हैं वर्किंग के लिए। लक्षित और पूरी तो मस्त यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं कमल में बैठ के, और इधर कार्टून देख रहे हैं। आई एम बनाइंग भैंसों का डिनर, भैंस इज खाइंग चपल चपल। अभी मैं वैसे ऊपर बच्चों को रोटी डालने, लो जी ये देखो बैठे हैं बच्चे सारे। कुत्ती तो है नहीं, वो तो शायद बाहर गई है, और दूध उड़ा लेता हूँ। यहाँ पे दूध भी डाल दिया और फिर पे डाल दी, आएंगे आएगी तो खा लेगी। ओ देखो ये काली सी बच्ची, ये देख काली छोटी सी बच्ची खा रही है, क्या बात है, इतने मच्छर है इसके अंदर, लगता है ठंड लग रही है इनको। इधर से लगाता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, ताकि ठंड थोड़ी सी कम आए। इसको हीट रख देता हूँ ऊपर, लो कुछ तो कम लगेगा ठंड। तो दोस्तों आज के दिन का भी करते हैं एंड, जो आज की वीडियो उसका अभी एंड करते हैं। अभी जो अपना इवनिंग वाला काम है, अपने वीडियो को एडिट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7:15 का टाइम हो चुका है, और जल्दी से एडिट करके उसको अपलोड कर देते हैं। और जब तक अपलोड होगी तब तक 10:30 के आसपास का टाइम हो जाएगा, फिर सुबह जल्दी उठना है, रनिंग पे जाएंगे, फिर अपना वही एज यूजुअल रूटीन होगा। बाकी आज की दिन काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भाई नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो जिंदगी में पाना है उसके लिए हार्डवर्क करते रहो। जय हिंद, जय भारत।